शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज पहले मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं। निफ्टी क्या लगता है, बैंक निफ्टी क्या लगता है और कौन से स्टॉक्स हमें मंडे के लिए ट्रेड करना चाहिए। सो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, निफ्टी का ये डेली चार्ट है और अगर आप यहाँ पे देखें ये लास्ट डेढ़ महीने में एक महीने में ये बहुत बड़ा फॉल आया है और लास्ट तीन दिन में जो रैली हुई थी ये प्योर रिट्रेसमेंट रैली था, कोई फ्रेश लॉन्ग्स नहीं थे इसमें, ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग्स थी इसमें। और अगर आप फ्राइडे का कैंडल देखें तो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है फ्राइडे को, 9000 के लेवल से निफ्टी फिसला है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमें देखने को मिली है और निफ्टी क्लोजिंग हुआ है करीबन 8650 के आसपास। अब मुझे लगता है कि यहाँ से ये वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है और अगर ये जो प्रीवियस लो है, अगर ये प्रीवियस लो तोड़ता है, आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, अगर ये प्रीवियस लो तोड़ता है तो हायर चांसेस है कि हमें निफ्टी में और नए लोज देखने को मिल सकते हैं और ये जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं, ये ज्यादातर लॉन्ग ट्रेडर्स सब ट्रैप हो सकते हैं, करेक्ट। सो मेरा व्यू मंडे के लिए अगर आप बात करें तो आपको सेल में ही रहना चाहिए, सेल करके ही काम करें, बाय बिल्कुल भी ना करें क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, यूएस में, तो अभी और पैनिक सेलिंग आ सकता है मार्केट में। तो सेलिंग करके काम करोगे तो पैसा बन सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो सेम कुछ है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें सेम पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत बड़ा फॉल आया था और अब ये रिट्रेसमेंट रैली हुई है और यहाँ से वापस मुझे लगता है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और जो प्रीवियस लोज है वो वापस रिटेस्ट हो सकते हैं और हो सकता है कि नया लो भी बन सकता है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में आपको सेल करके ही काम करना चाहिए, इंट्राडे में भी और पोजिशनल में भी। जहां तक मुझे लगता है टारगेट जो प्रीवियस लो है यहां तक तो डेफिनेटली यहां तक एक फॉल आना चाहिए। सो सेल करके काम करें, पैसा बन सकता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो तो कौन से स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है पोजिशनली या इंट्राडे मंडे के लिए, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको ट्रेड करना है आप ट्रेड कीजिए, वरना अगर आपको फॉलो करना है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करना है, सिर्फ मेरे कॉल्स फॉलो करना है तो आप सिर्फ कॉल्स फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए एसबीआई का चार्ट। एसबीआई एक बहुत वीक स्टॉक है आज के मार्केट में। अगर आप देखें ये इन्वर्टेड हैमर इसने बनाया है, करेक्ट, एंड ये देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमें देखने को मिली, 212 के लेवल से 195 के आसपास एक क्लोज हुआ है और अगर मंडे को निफ्टी गैप डाउन खुला या फॉल कंटिन्यू रहा तो सबसे वीक स्टॉक है ये और मुझे लगता है ये सबसे फास्ट गिरेगा ये। तो एसबीआई एक अच्छा खासा शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है, इसमें आप सेल का ट्रेड इनिशिएट करें, इसमें आपको पैसा बन सकता है। और एक और स्टॉक जो वीक स्टॉक है, सबसे ज़्यादा स्टॉक मुझे लगता है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भी अगर आप देखें करीबन 1400 के लेवल से ये फॉल आ रहा है, 250 का लो बनाया ये स्टॉक ने और वापस ये स्टॉक 500 तक गया एंड अगेन वापस फ्राइडे के दिन ये 400 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो ऊपर लेवल से यहाँ पर सप्लाई हमें देखने को मिल रही है और मुझे लगता है वापस ये स्टॉक करीबन 250 के लेवल रिटेस्ट कर सकता है। तो इंडसइंड बैंक एंड एसबीआई ये पोजिशनल शॉर्ट्स रहेंगे और अगर आप इंट्राडे में शॉर्ट करना चाहो तो इंट्राडे में भी कर सकते हो और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये दोनों में भी आपको सेल में ही रहना चाहिए। अरे ये था मार्केट अपडेट के लिए, ये था मंडे के लिए मार्केट अपडेट। ऐसे ही आपको मैं डेली मार्केट अपडेट देते रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू। सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।